नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिकोड एग्जाम ने आप सभी के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने जीएस के जो भी महत्वपूर्ण विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते थे उन सब पे आपके साथ चर्चा की। मेरे द्वारा आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कक्षाएं आपको कराई गई, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी या चैनल के ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो पीसीएस क्रैश कोर्स के नाम से आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। 150 बेसिकली क्लास होनी थी, इसमें 150 क्लासेस, जिसमें कुछ क्लासेस सी सेट की और बाकी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक्स से किसी भी विषयों के पेपर में सवाल पूछे ही जाते हैं, वो सब टॉपिक भी सीरीज के द्वारा आपको कवर कराए जाने थे। चूंकि पहले 27 अक्टूबर पेपर प्रस्तावित था, अभी भी जब तक आयोग की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक आप 27 मान के ही तैयारी कीजिए। लगभग 20 दिन आपकी परीक्षा में शेष है, ठीक है। तो सीसेट भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीएस अगर आपके 90% नंबर भी है, लेकिन एक मिनट को मान लेते हैं कि हैं, लेकिन अगर आप सीसेट में फेल हैं तो सीसेट तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। सीसेट करने का यूपीपीसीएस का सीसेट यूपीएससी की अपेक्षाकृत सरल आता है और उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। आराम से आप 8-10 सवाल कर लेते हो, 40 सवाल लगभग आपको उसमें मैथ रीजनिंग के मिलते हैं, जिनमें से आप अगर 25-30 भी सही कर लेते हो तो आपका आराम से सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। 10 सवाल तो पैसेस के ही आते हैं, वो आराम से सॉल्व हो सकते हैं। 30 सवाल अगर आप मैथ रीजनिंग के 40 में से कर लेते हो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल पीवाईक्यू। आप मैं आपको 2012 से मैंने पेपर कराने शुरू किए हैं, आज हम 2014 का पेपर करेंगे, 12, 13, 14, ठीक है। इसी तरीके से 2023 तक के मैं आपको पेपर करा दूंगा सारे, ठीक है। तो ये है, तो आप आराम से इनको करते चलिए, इतने ही चीज को बस बार बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका कोई पिछला आया हुआ सवाल या उस पैटर्न पे आया हुआ सवाल गलत ना हो, ठीक है। चलिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आप 22 दिसंबर को आपकी आरोग्य परीक्षा प्रस्तावित है, जो 22 दिसंबर को ही संभवतया हो जाएगी। उसके लिए डिकोड एग्जाम ने एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जो 7000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। इसके माध्यम से आपको 4000 प्लस 3000 दो प्रश्नों के सेट मिलेंगे, है ना। 4000 प्लस 3000 दो प्रश्नों के सेट कैसे हैं? एक तो आपको पता है कि पहले जो आपके आरओ की दो परीक्षा होती थी, दो मीटिंग में, एक में पहले जनरल स्टडीज का पेपर होता था, दूसरे में हिंदी का पेपर होता था, उसको मर्ज करके एक पेपर कर दिया गया है। अब आपका तीन घंटे का जो है एक ही पेपर होगा, है ना, पहली बात ये। तो इसी के अनुरूप आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से 200 प्रश्न, जिसमें 140 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न आपके हिंदी को देखने को मिलेंगे। 200 प्रश्नों के 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, वो फुल लेंथ टेस्ट, उनका पीडीएफ टेस्ट, पीडीएफ सॉल्यूशन डिकोड एग्जाम के ऐप के माध्यम से आप अवेल कर पाएंगे। दूसरा, जो मेंटरशिप प्रोग्राम एक डिकोड एग्जाम की तरफ से बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जो कि चलाया गया था, काफी आप में से विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए और सीरियस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम के 100 दिन में हमने लगभग 4000, लगभग क्या, एग्जैक्ट 4000 प्रश्न 100 दिन में हमने दिए थे आप लोगों को, और उसके माध्यम से 3 बार सिलेबस रिवाइज कराया गया था। मतलब डेली टारगेट देते थे, फिर प्रश्न देते थे, उनका सॉल्यूशन, और इन 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी है। सबसे बड़ी बात यह है, इन प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिला हुआ है। तो वीडियो सॉल्यूशन मिलने से क्या लाभ हो जाता है, आपको प्रश्न कैसे हैंडल करना चाहिए, कौन से प्रश्न छोड़ने चाहिए, नाते हुए प्रश्न भी कैसे करने चाहिए, है ना, सत्य असत्य। और पूरी टेस्ट सीरीज एकदम नए प्रश्न आपको मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं कि आपको पीवाईक्यू रिपीट होके, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू रिपीट होके मिलते हैं, ठीक है, मार्केट में भरी पड़ी हैं, लेकिन आपको एग्जाम के नए ट्रेंड के हिसाब से यहां सवाल मिलेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, कथन निष्कर्ष वाले, सत्य सत्य वाले, मैक्सिमम वही प्रश्न रखने की कोशिश की गई है। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप चाहें अपनी तैयारी को जांचने के लिए तो इसको ले सकते हैं। बाकी इस सबसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो डिकोड एग्जाम के दो ऑफिशियल नंबर हैं, इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहां मैसेज कर सकते हैं, वीडियो टेस्ट लिख के आपकी जो भी समस्या होगी उसका यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने 14 के प्रश्नों के साथ। आज लगभग 40 से कुछ कम प्रश्न हैं हमको सॉल्व करने हैं, लगभग एक घंटे में हमेशा की तरह हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। अब इस पैटर्न का सवाल, जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न का सवाल आपसे 2012 में भी एक पूछा गया है, 2013 में भी एक पूछा गया है, जो मैंने दोनों आपको करा दिए हैं। फिर बताता हूं ये सवाल करने कैसे हैं। 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी, जैसे जैसे कह रहा है पी क्यू आर
ST, ठीक है, जैसे जैसे कहे वैसे बना लो। सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको सवाल पढ़ना चाहिए पूरा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको तरीके से करके बता रहा हूं, इसलिए हम सीधे शुरुआत करते हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है, मतलब कुछ लोग फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ लोग शतरंज खेलते होंगे, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, और एक हॉकी खिलाड़ी है, मतलब कुछ लोग हॉकी भी खेलते होंगे, ठीक है। चलिए, पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं, है ना, तो मतलब कौन विवाहित है और कौन अविवाहित है, यह भी हमें देखना है। तो पी और एस क्या है, अविवाहित महिलाएं हैं, यानी पी क्या है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, पी क्या है, पी अविवाहित है, और एस क्या है, पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं, और एस क्या है, अविवाहित है, ठीक। दूसरा मैं एक कॉलम इनके बना लेता हूं, मेल फीमेल का, मतलब पी क्या है, पी फीमेल है, और एस भी आपका फीमेल है, ठीक है। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, पी भी एस भी क्या है, पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं, तो हमने दोनों को लिख दिया। इस तरीके की टेबल जितने भी चर दिए हैं आप उनकी बना लेंगे तो आपको सवाल इजी जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर कह रहा है किसी खेल का हिस्सा नहीं लेती, ये दोनों कोई खेल नहीं खेलती, मतलब फुटबॉल नहीं खेलती, शतरंज हॉकी कुछ नहीं खेलती, जैसे कहा हमने टेबल में भर लिया, ठीक है। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। अब जो एक और महिला होगी अभी इनमें से, वो ना तो शतरंज खेलेगी ना फुटबॉल खेलेगी, तो ये स्टेटमेंट अभी मेरा कहीं मैच नहीं हो रहा है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं कि अभी मुझे ये स्टेटमेंट चेक करना है बाद में। एक विवाहित दंपत्ति है जिसमें टी पति है, यानी टी क्या हो गया, टी मेल हो गया, टी मेल हो गया, तो विवाहित दंपत्ति यानी टी की पत्नी भी होगी कोई, जिसमें टी पति है, अभी हमारा ये चीज रह गई, टी पति तो हमने लिख लिया। क्यू आर का भाई है, मतलब क्यू भाई है, तो क्यू क्या हो गया, मेल हो गया, आर का भाई है, लेकिन अभी हमें टी की पत्नी और देखनी है, तो टी की पत्नी एक ही बचा, मतलब ये आर जो है फीमेल होगी, और ये लाइन भी अब ये हमारा निपट गया, ये लाइन भी क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है ना, आर पता नहीं भाई है कि बहन है, तो क्यू आर का भाई है, वो भी बात सही हो गई। वह ना हॉकी खेलता है ना शतरंज, मतलब क्यू जो है वो ना तो हॉकी खेलता है ना वो शतरंज खेलता है, ठीक है, क्यू ना तो हॉकी खेलता है ना शतरंज खेलता है, ठीक है। चलिए, फिर फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है, अब आप देखो ये एक यहां इन्होंने कह दिया, एक ये वाली लाइन हमारी छूट रही है, महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है, मतलब ये फीमेल है तो ना ये फुटबॉल खेलेगी ना ये शतरंज खेलेगी, अब बचे ये मतलब ये फुटबॉल खेलेगा, क्यों टी फुटबॉल खेलेगा, है ना, आपसे पूछा है कौन फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है, तो आंसर हो जाएगा क्यू जो है वो आपका फुटबॉल का खिलाड़ी है, क्यों, क्योंकि टी का तो दिया है विवाहित दंपत्ति है जिसमें पति टी है, क्यू का भाई है वह ना तो हॉकी खेलता है ना शतरंज, तो क्यू कुछ नहीं खेल रहा है, मतलब क्यू क्या खेलेगा, क्यू फुटबॉल खेलेगा, यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी टेबल बना के आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर दिया है एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है, तो उसी हिसाब से हमने चीजें कर ली कि एक फुटबॉल खेल रहा है, एक शतरंज खेलेगा, है ना, और एक हॉकी खेलेगा, तो इस हिसाब से ये आपकी टेबल बन जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत, आगे चलते हैं। दो से चार तक के दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षब्द या अक्षर का चयन कीजिए, मतलब जो अन्य से अलग है। अब देखो ये सिंपल है, जैसे 27 तीन, तीन का क्यूब होता है 27, तीन तीन नौ तीन 27, ऐसे ही 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6 36 × 6 216, ठीक है, तो 216 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अलाहाबाद, अब देखो इनमें क्या है, पैटर्न होता है, आपको पैटर्न पहचान में आना चाहिए, जैसे देखो ये अलाहाबाद यहां से शुरू हो गया, मतलब पहला अक्षर सबसे लास्ट में, उसके बाद वाले उसके बाद में, उल्टा लिखा है इसका मतलब ए, फिर यहां गया, फिर भी सारे चेक कर लो, फिर एच होगा, फिर एच है ना, तो इन्होंने इधर से शुरू कर दिया है, पहले डी फिर ए, मतलब ऐसे देखो ये, फिर ये, फिर बी, फिर ए, पीछे के तो हमने चेक कर लिए, तो मतलब इधर से शुरू कर दिया। वाराणसी को भी ऐसे लिख दो, पहले क्या होगा, आई होगा, आई एस, तो सारे आई एस हैं, आई एस ए एन, आई एस ए ए एन, मतलब दो बचे, आई एस ए एन के बाद क्या होगा, ए आर, तो आई एस ए एन के बाद ए आर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, तो आपको पैटर्न इसमें पहचानना है। और पी वाई क्यू अगर इतने कर लोगे, ये पैटर्न भी पीछे पूछा गया है सब पेपर में, ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा, तो गिने चुने पैटर्न है जिन पे आप सवाल कर लेते हैं, पी वाई क्यू आप आराम से कर लीजिए, तो आपका सी सेट वाली चीज आसानी से हो जाएगी, विशेषकर यूपीपीसीएस में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं,
सेम बात है। मैंगो को इन्होंने क्या लिखा है, अब देखो जेके एल एम एन है ना, एम एन ओ मतलब एक प्लस किया है, एक बीच में छोड़ा है, एम एन ओ, ठीक है। आप ऐसे कर लो या नंबर डाल लो, एम का नंबर 13, इसका नंबर 15, इसका 1, इसका 3 है ना, एन का 14, पी का कितना होता है 16, जी का 7, आई का 9, सबके नंबर मैंने डाल दिए, ई जी ओ 15 और ये 17, मतलब दो दो नंबर का डिफरेंस है, देखो 13 से 15, 1 का 3, 14 का 16, 7 का, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही हम कर लेंगे, ए की जगह क्या आएगा सी आएगा, पी की जगह क्या आएगा दो आगे वाला पी क्यू आर, मतलब दो आर आएंगे तो ये क्या आएगा सी आर आर, एल की जगह क्या आएगा जे के एल एम एन, मतलब एन आएगा तो एन लिख दिया हमने, फिर ई की जगह क्या आएगा एफ जी जी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसमें पूरा सही तरीके से दिया हुआ है। तो आप ये पहचान लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने चीजों को सॉल्व किया है ना, कौन सा पैटर्न पकड़ा है, और उसी तरीके से हम भी अपना क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, देखो भाई कथन दिया हुआ है, अब ये कथन निष्कर्ष वाले सवाल है, इसमें अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना है, जितना स्टेटमेंट दिया है उसको फॉलो करना है बस, अपने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको स्टेटमेंट दिया है वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, ऐसे सवाल पता नहीं क्यों देते हैं, चलो खैर वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है, ठीक है। तो इस बात की संभावना है कि शोभा की शादी किसी एडवोकेट से हो, और इस बात की भी संभावना है कि शोभा की शादी किसी एडवोकेट से ना हो, क्योंकि वकील लोग ही तो कर रहे हैं लेकिन गोरी लड़कियां वकीलों से ही शादी कर रही हैं, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। फिर निष्कर्ष कह रहा है कि शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है, संभावना हो सकती है, शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है, यह भी संभावना हो सकती है, लेकिन दोनों में से कोई भी तर्क एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि एक सही है या दूसरा सही है। तो देखो केवल एक निर्गत होता है नहीं, केवल दो निर्गत होता है नहीं, या तो एक या दो, मतलब या तो एक होगा या दो होगा, शोभा किसी ना किसी से तो विवाह करेगी ना, तो या तो एक निर्गत होगा या दो निर्गत होगा, ना तो एक ना दो नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता इधर और वाला, तो फिर ना तो एक ना दो होता है, ठीक है। इसमें होता केवल एक निर्गत होता है, केवल दो निर्गत होते हैं, दोनों निर्गत होते हैं, तब हम लिखते हैं कि दोनों निर्गत नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कथन सभी लड़के ईमानदार हैं। तो देखो सभी लड़के क्या है, मतलब लड़के और क्या है, ईमानदार हैं, ठीक है, ईमानदार है। हमेशा ध्यान रखोगे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है कथन, तो सभी लड़के ईमानदार है, एक तो ये बन सकता है, दूसरा ये सारे गोले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो हम वेन डायग्राम से बनाते हैं सारे गोले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। सभी लड़के ईमानदार है, तो लड़के और ईमानदार का गोला भी मैं इतना बड़ा बना दूं तो क्या दिक्कत है, इसमें भी तो बात सेटिस्फाई हो रही है, सभी लड़के ईमानदार है, बताओ, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जहां होगा वहां पूरे पूरे गोले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और इन स्थितियों में से किसी एक में भी अगर जो है फाइनल निष्कर्ष फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको करके बताता हूं, सुरेंद्र क्या है, ईमानदार है, मतलब सुरेंद्र यहां भी हो सकता है, सुरेंद्र ईमानदार है ऐसा थोड़ी कह रहा है लड़का है, आप सोच रहे हो लड़का है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना स्टेटमेंट का है उतना, सुरेंद्र ईमानदार है, या फिर सुरेंद्र ऐसे भी हो सकता है, या इसी में सुरेंद्र यहां भी हो सकता है, भाई सुरेंद्र ईमानदार लड़के लड़का सुरेंद्र ऐसे भी हो सकता है। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, निष्कर्ष आपके क्या कह रहे हैं, सुरेंद्र एक लड़का है, अगर मैं सुरेंद्र को लड़के से बाहर बनाऊं ये बनाऊं तो मेरा स्टेटमेंट प्रश्न वाला तो फॉलो हो रहा है, सुरेंद्र ईमानदार है, लेकिन निष्कर्ष ये फॉलो नहीं हो रहा है, एक में भी गलत, हालांकि उस स्थिति में फॉलो होगा, इस स्थिति में फॉलो होगा, लेकिन एक भी स्थिति में अगर हमारा निष्कर्ष गलत हुआ तो वो गलत हो जाएगा। सुरेंद्र एक ईमानदार लड़का है, नहीं है ना, एग्जैक्ट फॉलो नहीं हो रहा, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो सभी ईमानदार यहां तो लड़के हो गए, लेकिन यहां तो ये ईमानदार कुछ बाहर रह गए, खाली यही तो हुए सभी ईमानदार लड़के, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव वाले में कुछ सम वाला स्टेटमेंट, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो सही हो, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, कौन सा निष्कर्ष फॉलो होता है, ना तो एक ना दो, दोनों में से कोई भी निर्गत नहीं होता है, विकल्प संख्या डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 6 बच्चे ABCDE फुटबॉल खेल रहे हैं, इन्होंने जबरदस्ती फुटबॉल खिलवा दी, ब्लड रिलेशन का सवाल है, ब्लड रिलेशन
ऐसे मान लो कि सवाल हर पेपर में 12 में था, 13 में है, 14 में भी है, आगे भी लगातार ब्लड रिलेशन का सवाल, खूनी रिश्तों वाले सवाल हर पेपर में आते हैं। अब देखो हमें इतने सारे जने दिए हैं, ए ई का भाई है जो कह रहा है, हमेशा याद रखना जैसे मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देता हूं, आप किसी और तरीके से करते हो तो आप अपने तरीके से ही करें, ठीक है। जैसे हम पुरुष को हमेशा पॉजिटिव के साइन से दिखाएंगे, जो निचले रिश्ते होते हैं मतलब बाप बेटे का रिश्ता ऐसे दिखाते हैं एक पीढ़ी ऊपर नीचे करके, है ना, बहन भाई का रिश्ता समान स्थिति में दिखाते हैं, और यही पति पत्नी का रिश्ता हो तो वो माना जाता है ज्यादा स्ट्रांग होता है भाई, डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, ठीक। चलो अब सवाल के माध्यम से देख लेते हैं, ए ई का भाई है, जब तक कुछ क्लियर ना हो प्लस माइनस नहीं लगाना है, मतलब पुरुष महिला नहीं लिखना है। ए क्या है, ई का भाई है, मतलब ए जो है भाई है किसका, ई का। अब ए भाई है, ई क्या है हमें नहीं पता, ए ही तो भाई है, ए भाई है ई का, लेकिन ई क्या है हमें क्या पता, ठीक। चलो एफ जो है वो ई की बहन है, एफ जो है वो ई की बहन है, हमने एफ बना दिया। सी ए का चाचा का इकलौता बेटा है, सी जो है ए के चाचा का, सी जो है ए ई का भाई है, एफ ई की बहन है, सी जो है वो ए के चाचा का, तो ए का चाचा कौन होगा, ए के कोई पिता होंगे, उनके भाई होंगे, ये हो गए चाचा, सी जो है ए के चाचा, ये हो गए इनका इकलौता बेटा है, तो सी भी इधर ही आएगा, है ना, इनका भाई होगा वैसे तो, ठीक है। चलो बी तथा डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, बी तथा डी सी के पिता, तो सी के पिता ये हो गए, इनके भाई कौन हो गए, ये, तो इनकी क्या है बेटियां, बी तथा डी सी के पिता के भाई की बेटी है, मतलब इनकी दो संतानें और हैं बी और डी, ठीक है, और ये क्या है बेटियां हैं, ये सब बहन भाई हो गए आपस में, ठीक है, बेटियां हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे, सी का एफ से क्या रिश्ता है, जिसके पीछे लगा हुआ हो से वो देखो दूसरे वाले को क्या कहेगा, यानी सी का एफ से, तो एफ सी को क्या कहेगा, एफ सी को क्या कहेगा, एफ तो इनकी संतान है, सी क्या है, सी जो है सी जो है सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है, यानी सी पॉजिटिव है, मतलब ये इसका कैसा भाई हो गया, ये इसका चचेरा भाई हो गया, ठीक है, ये इसका कैसा भाई हो गया, चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर इसी पिता से होता तो सगा भाई होता, लेकिन दूसरे पिता के भाई से है इसलिए ये चचेरा भाई हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त फुटबॉल खेलने वालों में से कितने पुरुष खिलाड़ी हैं, तो देख लो कितने पुरुष हैं भाई, एक पुरुष ये तो खेल नहीं रहे थे, है ना, ये दोनों एक पुरुष दो पुरुष तो ये क्लियर है, ये महिला है, ई का पता नहीं, तो मतलब कितने पुरुष हो जाएंगे इसमें से, तीन पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि ई का भी कहीं ना कहीं दिया ही होगा इन्होंने, ए तथा ई भाई हैं, अच्छा ए ई का भाई नहीं है, ए तथा ई भाई हैं, दोनों को भाई बताया है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक दो और तीन जो हो गए बालक, ये हो गए जो आपके पुरुष हैं। अब आप गलती करके इन दोनों को भी काउंट कर लोगे, लेकिन इन्होंने फुटबॉल खिलाया है ए से लेके ई तक के लोगों को, और फुटबॉल वाले ही पूछ रहे हैं कितने पुरुष हैं, तो फुटबॉल जो खेल रहे हैं वो तीन पुरुष हैं और तीन बेटियां हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं, कौन कौन है, पिता है, माता है, तीन विवाहित पुत्र हैं, एक अविवाहित पुत्री है, विवाहित पुत्रों में से किसी दो की पुत्रियां हैं तथा एक को पुत्र है, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। देखो संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं, माता और पिता, तो देखो ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, ठीक। अब क्या कह रहा है, तीन विवाहित पुत्र हैं, मतलब तीन के तीन विवाहित पुत्र हैं, तो तीन विवाहित पुत्र हैं मतलब उनकी पत्नियां भी होंगी, तो ये हो गए पुत्र, ये हो गई उनकी पत्नियां साथ में, ठीक भाई, विवाहित पुत्र हैं तो उनकी पत्नियां भी होंगी ना, बस इसीलिए विवाहित शब्द प्रयोग हुआ है। एक अविवाहित पुत्री है, मतलब इसी जोड़े की एक अविवाहित पुत्री और हो गई, ठीक है, एक अविवाहित पुत्री इसी जोड़े की और हो गई, ठीक। फिर मतलब इनकी बहन, ठीक है, विवाहित पुत्रों में से दो को दो दो पुत्रियां हैं, यानी इनमें से दो को क्या है, दो दो बेटियां हैं, तो इनमें से दो को दो दो बेटियां हैं, मतलब एक बेटी दो बेटी, इसको भी दो बेटी, एक बेटी दो बेटी, ठीक है, दो दो बेटियां हैं, तथा एक को एक पुत्र है, तीसरे वाले को क्या है, इसको एक बेटा है, ठीक। जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे बना लिया, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो देखो दो और दो चार बेटियां, तो ये हो गई, ये हैं चार के बाद आ जाओ, एक इनकी खुद की बेटी थी मतलब इनकी बहन थी तीनों की, पांच,
पांच के बाद तीनों की एक एक तीनों की पत्नियां हैं, क्योंकि विवाहित पुत्र हैं, तो पांच और तीन आठ और एक ये ग्रैंड मां जो है, तो टोटल नौ महिला सदस्य हो गई इस घर के अंदर। ठीक है, यही आपसे पूछा है कितनी महिला सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नौ महिला सदस्य है। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है एक बार प्रश्न पूरा पढ़ो, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप बनाते चले जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निष्कर्षों में सही उत्तर चुनिए। सभी कथन, सभी ज्ञान अच्छा होता है, सभी ज्ञान मतलब ज्ञान आ जाएगा, और सभी ज्ञान कैसा है, अच्छा है। अब ये ऐसे भी बन सकता है और सभी ज्ञान अच्छा है ऐसे भी बन सकता है। सभी ज्ञान कठिन होता है, तो ज्ञान सभी कैसा है, कठिन है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कठिन है, और सभी ज्ञान कठिन है मैं इसके ऊपर ही बना सकता हूं, तीनों गोले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक, सभी कठिन चीजें ज्ञान है, तो सभी कठिन चीजें ज्ञान है इस वाले में बात फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि ये कठिन तो बहुत सारी बाहर रह गई, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बन गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ अच्छी चीजें कठिन होती हैं, तो कुछ अच्छी चीजें क्या है, कठिन है, भाई सब अच्छी कठिन है, लेकिन कुछ अच्छी कठिन है, यहां भी सही है और यहां भी सही है, मतलब स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सभी अच्छी चीजें कठिन होती हैं, तो सभी अच्छी चीजें कठिन होती हैं, है ना, ये हो भी सकता है, लेकिन ये अंदर भी, क्योंकि उसने ये कहा है सभी ज्ञान कठिन है, तो एक ये ऐसे भी बन सकता है सभी ज्ञान कठिन है, तो बाहर भी जा सकता है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, मल्टी स्टेटमेंट है ही नहीं, एक ही है, तो बी हमें मिल गया सही है। सरल चीजें अच्छी नहीं होती, सरल की कोई बात ही नहीं थी, अपनी तरफ से कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों में दिमाग नहीं लगाना है, जितना स्टेटमेंट दे है ना उतना लगाना है, वो कहे तुम तीतर हो तो अपने आप को तीतर मान लेना है। आगे चलते हैं, यदि बी कहता है, बी क्या कह रहा है, यदि बी कहता है कि उसकी मां एक ही मां की एकमात्र पुत्री है, तो ए का बी से क्या संबंध है। देखो, बी क्या कह रहा है कि उसकी मां, मतलब बी की मां ये होगी, हमने बी की मां बना दी यहां, ठीक, उसकी मां एक ही मां की एकमात्र पुत्री है, उसकी मां एक एक ही मां है, एक ही मां है, इसकी एकमात्र पुत्री है ना, एक ही मां की एकमात्र पुत्री है, तो ए का बी से क्या संबंध है। एकमात्र पुत्री है, अगर उसकी मां की एकमात्र पुत्री है, तो या तो ये क्या होगा, इसका मामा होगा, है ना, मामा होगा बी से, मतलब बी ए को क्या कहेगा, मामा हो सकता है, मौसी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। एकमात्र पुत्री है तो मतलब मौसी तो नहीं होगा, मामा ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो, तीन चार सवाल ब्लड रिलेशन के दे दिए आपको इस क्लास के अंदर, मतलब इस वाले ईयर के अंदर, तो किसी भी साल के अंदर ब्लड रिलेशन आप कोई ईयर ऐसा नहीं मिलेगा जहां ब्लड रिलेशन के सवाल आपसे ना पूछे गए हो, तो इसलिए ब्लड रिलेशन के जो भी सवाल है उनको अच्छे से प्रैक्टिस आपको करते चलना है ना। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, भिन्न मतलब इसमें ऑड वन आउट हमें छाटना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इनमें से कौन सा एक अन्य सबसे अलग है। तो देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तीनों मुगल हैं, जबकि शेरशाह एक अलग वंश का शासक है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इनमें से अलग हो जाएगा, जबकि ये तीनों जो हैं ये तीनों मुगल हैं और शेरशाह जो है वो इनमें से मुगल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, फिर वही बात, तो हल्दी घाटी, पानीपत और कुरुक्षेत्र, यहां इन तीनों में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन सारनाथ इनमें से एक ऐसी जगह है जहां कोई युद्ध इत्यादि का इतिहास हमें नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो क्या हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सरल सवाल भी आते हैं, ऐसे सवाल आपको खट से, मतलब मिनट भी नहीं लगेगा इनमें, और अब आरओ में तो एक पेपर, क्योंकि अब तीन घंटे का एक पेपर होगा, तो आपको उसका लाभ ही मिलेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि हिंदी का सब पेपर मैक्सिमम लोग 60 सवाल 30 मिनट भी बहुत है, है ना, कुछ तो जिनको पूरा रटा हुआ होता है वो 10-15 मिनट भी चटका देते हैं पूरा पेपर, तो आधे घंटे में हो जाते हैं। आधा घंटा जो आपका बचा वो आप मैथ रीजनिंग में आराम से दे सकते हो, पेपर लेंथी होगा उसमें आराम से दे सकते हो, तो मतलब कट ऑफ बढ़ने के भी चांस रहेंगे 2-3 नंबर। क्यों, क्योंकि फर्क पड़ता है इन सब चीजों का भी। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए, देखो फिर ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया, ए बी की बहन है, अब बी हमें नहीं दिया है क्या है, ए जो है बहन है किसकी, बी की। ठीक है, सी बी की मां है, सी जो है वो क्या है, बी की मां है, तो सी मां है किसकी, बी की। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है,
तो ये डी हो गए, ये सी के पिता हैं, ठीक है। ई डी की माँ है, अच्छा डी की भी माँ चली गई, तो मैं अभी क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो जा नहीं सकता तो ऐसे बना देता हूं, ये जो है डी की माँ है, कौन, ई, ई जो है डी की भी माँ है, है ना। चलो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, तो जिस पे से लगा हुआ है वो दूसरे को क्या कहेगा, इस बात से बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रख लेना, जिसके पीछे से लगा हुआ है वो दूसरे को क्या कहेगा, डी क्या कहेगा ए को, तो डी ए का क्या हो गया, पोता हो गया, पौत्री हो गई, सॉरी पोती हो गई, पोती को क्या बोलते हैं, पौत्री या ग्रैंड डॉटर, इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर, है ना। ए इज बी सिस्टर, सी इज वी इज मदर, डी सी इज फादर एंड डी इज मदर, ठीक है। देन हाउ इज द, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ठीक है, अंग्रेजी में सरल है ए रिलेटेड टू डी, लेकिन हिंदी में जिसके पीछे से लगा हुआ हो वो दूसरे वाले को क्या कहेगा, ऐसे चेक करना है। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छह परिवार ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं, बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ए एफ और डी के बगल में नहीं रहता है, सी डी के बगल में नहीं रहता है, एफ के बगल का पड़ोसी कौन है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे कहा गया है बी के पड़ोसी एफ और डी है, तो बी के पड़ोसी कौन है, एफ है और डी है, सिंपल। फिर ई के पड़ोसी ए और सी हैं, लेकिन अभी बात कनेक्टिंग नहीं है, ए और सी हमें कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता है, मतलब ए जो है वो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन हमसे ऊपर कह दिया ई के पड़ोसी ए और सी हैं, तो ए और ई और सी अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत, अब देखो ए के पड़ोसी ए और सी भी हो गए, और ए एफ और डी के बगल में भी नहीं रह गया, ठीक है। सी डी के बगल में नहीं रहता है, तो सी जो है डी के बगल में भी नहीं है, सी हमने इसीलिए इधर बैठा दिया है, बात खत्म। एफ के बगल का पड़ोसी कौन है, अब एफ के बगल का पड़ोसी या तो होगा सी या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी या सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बी या सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, देखो कौन एक अन्य से भिन्न है, ऑड वन आउट काटो, तोता उल्लू चील बाज, तो उल्लू चील बाज जो है ये सब मांसाहारी भी हैं, मांस खाते हैं, मतलब उल्लू है चील है बाज है सब भक्षी हैं, है ना, लेकिन तोता जो है इनमें से वो शाकाहारी है, ठीक है, कैसा है, शाकाहारी है, तो तोता क्या है इनमें से, ऑड वन आउट है और वो इन सबसे अलग, ठीक। चलो आगे चलते हैं, फिर आ गया कथन निष्कर्ष वाले सवाल, तो कथन निष्कर्ष भी पूछा जाता है, दो तीन सवाल, और ब्लड रिलेशन, अगर आप ये दो चैप्टर कर लेते हो 3 से 5 सवाल आपके पेपर में सी सेट में पक्के, ठीक। चलो मानस क्या है, एक खिलाड़ी है, अब यहां पे सभी या उसकी बात नहीं हो रही है कि मानस खिलाड़ी है और इस तरीके से नहीं, मानस एक खिलाड़ी है, मतलब मानस जो है वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी ये बड़ा वाला गोला ही होगा, ये अब इसके अंदर मिक्स नहीं हो सकता, मानस एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी क्या है, लंबे हैं, अब या तो मैं लंबा ऐसे ही इसी के ऊपर गोला बना दूं या फिर मैं थोड़ा बड़ा गोला बना दूं इसमें लिख दूं लंबा, बात वही है, मानस लंबा है ये बात बिल्कुल सही होगी, क्यों, क्योंकि मानस एक खिलाड़ी है और सब खिलाड़ी लंबे हैं, मतलब स्टेटमेंट एक तो सही होगा ही होगा, मल्टी स्टेटमेंट नहीं है इसलिए ये होगा, फिर भी सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, भाई कुछ लंबे तो बाहर रह गए, सभी लंबे कैसे खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक, लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है ये तो अपोजिट बात हो गई, मानस लंबा नहीं है ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार कथन निष्कर्ष के सवाल हवा नहीं होते हैं, इनको बस समझने का एक पैटर्न है, इनको करने का एक पैटर्न है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जंगल में जानवरों को मारने के लिए, ये उसका सवाल आ गया है, एक मारने के लिए बाघ के नुकीले पंजे की आवश्यकता होती है, ये क्या है, शायद सत्य तो नहीं है, शायद गलत भी नहीं है, निश्चित गलत भी नहीं है, निश्चित सत्य है, मारने के लिए बाघ को नुकीले, क्योंकि उन्हीं से झपटता है, तो ये निश्चितता सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है, सबसे पहले अगर सीरीज आराम आराम से बढ़ रही है तो इनके बीच का डिफरेंस छांटो, जैसे 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 9, 27, 27, 11, 38, मतलब दो दो के डिफरेंस से बढ़ते जा रहे हैं, 38 और 13 कितना हो जाएगा, 38 और 13 हो जाएगा आपका 51, और 51 और 15 क्या 66 हो रहा है, मतलब यहां 13 यहां 15 सीरीज हो जाएगी, बिल्कुल सही, मतलब 51 इसका सही आंसर होगा, जैसे ही डिफरेंस निकालोगे आधा सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्न दी गई भुजाओं के साथ कौन सा त्रिभुज एबीसी संभव नहीं है, हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, दो भुजाओं का टोटल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, वही यहां हमें चेक करना है, ये 6 स्क्वायर है, ये 7 की घात 2 है, 9 की घात 2 है, ठीक है, ये इस तरीके से है, ये 3 है, अब देख लो, अब 7 और 6 13 तीसरी भुजा से बड़ा हो गया,
रूट छह, रूट सात, रूट नौ, ये भी बड़ा हो जाएगा, है ना। छह का स्क्वायर छह छन छत्तीस, सत और सात सत्ते उनचास, तो उनचास और छत्तीस कितने हो गए, पचास, और पैंतीस पिचासी, नौ नौ इक्यासी, तो ये भी बड़ा हो गया। लेकिन छह का क्यूब कितना हो गया, 216, सात का क्यूब कितना हो गया, उनचास और सात, है ना, और नौ का क्यूब, नौ का क्यूब बहुत ज्यादा हो जाएगा, नौ नौ इक्यासी निम्मा, है ना। तो ये जो होगा इन दोनों का ये योग जो होगा वो इससे बड़ा नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा कि डी एक त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विच ट्राइंगल एबीसी इज नॉट पॉसिबल विद दी साइड्स गिवन बिलो, तो इन साइड्स से डी वाला, क्योंकि हमेशा याद रखो। अब ये फैक्ट अगर आपको याद होगा तो आपका ये सवाल हो जाएगा, पर इस सवाल में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो ऐसे जितनी भी नई नई कहानी आ रही है, जैसे कल हमने एक देखा था, मतलब पिछली वाली 2013 वाले में, कि समबाहु त्रिभुज पर एक बिंदु से लंब डाले गए हैं, तो उन लंब से परिमाप हम निकाल सकते हैं, कैसे हम भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, दो बटे रूट तीन, तीनों भुजाओं का योग। तो इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला, ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे। तो पीवाईक्यू में जितने ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको एक नोट भी करते रहा करिए, ठीक है, है ना। ऐसी सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, नोट डाउन भी आपको चीजें करनी ही चाहिए। तो एक ये हो गया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर चला। डाकिया चल रहा है 7 किलोमीटर, चल रहा है कहां, श्री सिंह के घर पर पहुंचने के लिए, तो ये सिंह साहब का घर आ गया। फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा। अब बायां, ये तो दायां हो जाएगा, बायां घूमा 4 किलोमीटर पड़ा और यहां पर किसके घर पहुंच गया, वो कुमार साहब के घर पहुंच गया, ठीक है। वहां से दाईं ओर 3 किलोमीटर घूमा, अब दायां मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो यहां से 3 किलोमीटर फिर घूम गया और कहां पहुंच गया, श्री शर्मा के घर पहुंच गया, तो ये शर्मा जी के घर पहुंच गए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घर के बीच की दूरी क्या है, ये बन गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, मतलब तीन ये हैं, चार ये, और ये कितना हो जाएगा, 5, ये ट्रिपल एट होते हैं। तो विकर्णी दूरी इनके बीच की देखेंगे हम, श्री शर्मा और श्री सिंह के बीच के घर की दूरी क्या हो जाएगी, 5, है ना। ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो 3, 4, 5 का ट्रिपल एट होता है, निकाल लो। इन दोनों के वर्ग का स्क्वायर बराबर क्या होता है, मतलब आधार का 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो ये इन पर रूट चढ़ेगा, दोनों पर रूट चढ़ जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका अंडर रूट, मतलब 9 81 4 चौक 16 81 और 16, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 5 5 25, ठीक है। चलो ये 3 आ गया, सॉरी 9 और 16 25 होंगे, ठीक है। चलो आंसर आ गया ये। यदि a की घात x बराबर b, भाई a की घात x बराबर b, ठीक, चलो b की घात y बराबर a, b की घात y बराबर क्या है a, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, अब इसको सॉल्व हो जाएगा, ये सिंपल है, घातों की तुलना कर लेंगे, तो ए की घात एक्स बराबर इधर जाके अपोजिट हो जाती है, ए की घात एक्स बराबर बी की घात 1/y, मतलब ए बराबर बी की घात 1/x, माफ कीजिए ऐसे हो जाएगा, ए बराबर बी की घात 1/x, अब दोनों ए दिए हैं, ए ए ये ए हो गया, यानी बी की घात 1/x बराबर बी की घात 1/y, मतलब बी की घात y, आधार दोनों के सेम है तो 1/x बराबर y, तुलना करने पर आधार सेम है तो घाते बराबर हो जाए, घाते एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, मतलब ये हो जाएगा x बराबर y, यानी xy बराबर x into y बराबर 1, यही हमसे पूछा है। तो ऐसे कैलकुलेशन अगर आप पे आते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नियम आपको पता है, तो आप आराम से ऐसे सवाल भी कर लेंगे, ये प्रैक्टिस से होंगे, बीजगणित का कल भी एक दो सवाल देखे थे तो हो जाएंगे आराम से। आगे चलते हैं, खाली स्थान को भरें, ये थोड़ा खतरनाक सा चित्र है, मैं इसको सही कर देता हूं, ये है 6, है ना, यहां है 1, ये है 2, ये है 5, ठीक है, ये है 3, ये है 4, ये हमसे पूछा है। अब देखो ये क्या है, देखो कैसे हो रहा है, थोड़ा खतरनाक सवाल है, देखो 2 दुनी 4, 2 गुणा 2 प्लस 1, ये हो गया 3 गुणा 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना, मतलब ये हो गया 2 गुणा 2 प्लस 1, ठीक है। अब ये कितना है, ऊपर 6 है, फिर ये 4, यहां भी कुछ था, ये नीचे से मिटा हुआ है, 3 दुनी 3, मतलब ये 8 है यहां, इसकी जगह 8 है यहां, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दुनी 6 प्लस 2 है, 8 हो गया। ऐसे ही 4 दुनी 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11, और फिर
एक दुनी दो प्लस चार तो वो छह हो जाएगा, मतलब इसका सबसे गुणा दो करके एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरीके से ये सवाल है। ठीक है, आप देख लेना, मैं एक बार दोबारा बना देता हूं, तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये ऐसे 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 और संख्याएं मैं इसमें आपके भर देता हूं। देखो ये है दो, यहां है पांच, यहां है तीन, यहां है आठ, ठीक है, यहां है चार, और यहां आपसे पूछा है यहां एक, यहां है छह, है ना, ये ऐसे है एग्जैक्टली। तो ये देखो हमने क्या गणित लगाया, हमने इसमें गणित लगाया है ये कि दो दुनी चार गुणा दो प्लस एक, पांच हो गया, गुणा दो प्लस दो, तीन दुनी छह और दो आठ हो गया, गुणा दो प्लस तीन, तो चार दुनी आठ और तीन ग्यारह यहां आ जाएगा, ऐसे ही गुणा दो प्लस चार, तो एक दुनी दो और चार छह, तो ये थोड़ा कठिन सवाल है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको एक बार देख लेना, ग्यारह इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। यदि n को सात से विभाजित किया जाता है तो शेषफल चार आता है। अब मान लो n अगर सात ही हो, n को सात से विभाजित कर रहे हैं, n सात ही हो तो शेषफल चार आता है, तो मतलब शेषफल चार कब आएगा, सात में चार जोड़ दूं, मतलब n बराबर ग्यारह मान लूं मैं, तो सात से भाग करोगे चार आ जाएगा, तो 3n प्लस वन को सात से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, देख लो n बराबर ग्यारह, यह आ जाएगा 33 प्लस एक यानी 34 को सात से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सात चौक 28, बचेंगे कितने 6, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मान के करोगे बहुत आसान जाएगा, ये भी एक्स मानोगे बहुत समय लग जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना, तब कौन किससे बड़ा है। अब देखो इसके सबके मान सेम कर लो, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा अगर मैं 0.5 इंटू 0.5 करूं तो दो दो दशमलव पहले आ जाएंगे, 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, मतलब आधा हो गया, a का मान कितना हो गया 0.5 हो गया। आगे चलो b का मान देखो, b 0.25 है, b बराबर 0.25 है, ठीक, ये 0.50 है। C बराबर इसका स्क्वायर है तो 25 25, 625 होगा, लेकिन दो और दो बार चार बार जीरो लग जाएगा तो ये और कम हो जाएगा, C बराबर 0.0625, समझ रहे हो, इनमें और जीरो लगा लो, ये 2500 हो गए, 5000 हो गए, ये 625 ही है सेम करने के लिए। और D बराबर क्या हो जाएगा, 0.05 और डबल जीरो लगा लो। ठीक है, अब देख लो ये 500 625 और ये सब हो गए, ठीक है, 0.05 है ना ये। ठीक, चलो अब देख लो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा D है, तो मतलब A सबसे छोटा है, तो देखो A छोटा नहीं है, A तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो देखो B छोटा है C से, B छोटा है C से नहीं, D जो है छोटा है C से, बिल्कुल ठीक है, और C छोटा है किससे, B से, और B छोटा है A से, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ये वाले निशान में जिधर मुंह बंद होता है, मान लो A और B ऐसे लिखा हुआ है, तो A छोटा है किससे, B से, B का मुंह खुला हुआ है मतलब B बड़ा है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से, अब देखो ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़ोगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन जो जो पी वाई क्यू में आए हुए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, यदि किसी बाह्य बिंदु P से, ये हमने बाह्य बिंदु मान लिया P, ठीक, P से PA जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, जो वृत्त के बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है, स्पर्श रेखाएं हैं, PA खींची हमने और दूसरी खींची PB, O केंद्र को स्पर्श करती है, ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श करती है। यदि वृत्त के E बिंदु पर CD स्पर्श रेखा हो, मतलब एक ये स्पर्श रेखा खींच ली इन्होंने CD, ठीक, चलो, तथा PB बराबर 16 सेंटीमीटर हो, मतलब ये B है, ये PB कितना है, ये 16 सेंटीमीटर हो, AC बराबर, PB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है, CD बराबर 12 सेंटीमीटर है, CD बराबर कितना है, CD बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PCD की परिमाप क्या होगी, PCD, हमेशा याद रखना, एक स्पर्श रेखा और इस तरीके से कोई तीसरी स्पर्श रेखा उसको काट रही हो, तो ये वाली जो रेखा होती है इसका डबल उसका परिमाप होता है त्रिभुज का, मतलब ये वाली जो दूरी है 7 और ये वाली जो दूरी है, मतलब ये दूरी एक ज्यादा होगी एक कम होगी, दोनों मिलके ये आधार का निर्माण करती हैं, मतलब 16 जो है आपका, जो 16 है वही 16 दुनी 32 अगर मैं कर लूं तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, इसको ध्यान रख लेना, दिमाग में रख लेना बस, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, परेशान हो जाओगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं।
एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? 35% तो पास हुए, 455 फेल हो गए, मतलब फेल कितने हुए? 65%। 65% इज इक्वल टू 455, 455 है, यही तो कह रहा है। 35 पास हो गए, 65 फेल हो गए, तो 65% बराबर किसके हो गए? 455 के। अब हमें पूछा है कुल कितने छात्र बैठे थे, 100% निकाल लो, 100% बराबर 455 गुणा 100 बटे 65, 65 से डिवाइड कर लो, 6 × 36, 6 × 7 = 42 और 5 × 7 = 35, 420 और 35 455, यानी 7 बार गया, 7 × 100 बराबर 700 टोटल बालक हैं जो पेपर में बैठे हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक वस्तु 65 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ हुआ, मतलब 100% अगर वस्तु बेचता तो बराबर रहती, 30% लाभ हुआ, यानी वस्तु कितने में बेच दी? 130% में बेच दी वस्तु। 130% बराबर कितने के है? 65 के। भाई 65 100% में लाया होगा, क्रय मूल्य 100% है, वो कह रहे 65 की बेचने में 30% लाभ हो गया, मतलब 130% बराबर 65 हो गया, सिंपल है। 10% लाभ पर बेचने पर वस्तु कितने की बिक्रय होती? तो 130 65 है, 110% हमें निकालना है, सिंपल है, बराबर 65 गुणा 110 बटे 130, 10 से 10 काटा, 13 × 5 = 65, 11 × 5 = 55, 55 रुपए में अगर भाई साहब उस वस्तु को बेचते तो उन्हें 10% का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अंकों के वितरण का माध्य क्या है? अब देखो ये क्या है, x हमें दिया है, मतलब हमें वो दिए हैं जो चर हैं, और f मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके fx निकाल लेते हैं, और fx इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, 3 × 6 = 6, 4 × 4 = 16, 5 × 2 = 10, इस कर हमने निकाल ली। अब सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल जो आइटम है वो इतना है, और टोटल संख्याएं कितनी है वो 30 है, इससे डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल है, 214 / 30, 7.1 क्या हो जाएगा इसका माध्य हो जाएगा, माध्य निकालने के लिए, ठीक है। यहां से भी कर सकते थे, 6 × 4 = 16 है ना, तो इसको जोड़ लेते एफ को, ये आ जाता, फिर 5 × 2 = 10, 6 × 3 = 18, 35, 832, 9 × 3 = 27, 7 × 70 है ना, तो सिग्मा एफ एक्स कर लेते, इसको जोड़ लेते और इनको जोड़ लेते, 2 × 4 = 8, 3 × 11, 11 × 9 = 20, 20 × 10 = 30 है ना, और ये आपका आएगा 7.1, इसका आंसर हो जाता, सिंपल, ठीक है। चलो, दिए गए प्रदत्तों का बहुलक क्या होता है? तो बहुलक होता है जो संख्या कई बार आ रही हो, दैट इज बहुलक। देखो 7, 2, 3, 4, और कोई संख्या क्या 4 बार आ रही है? नहीं, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 7। बहुलक सबसे सरल है, ठीक है, मोड जो है वो आपका सबसे सरल होता है, बहुलक मतलब संख्याओं में जो ज्यादा बार आ रहा हो वो बहुलक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4, तो x का मान कितना है? 4800 का 16.5, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 4800 × 16.5/100, ऐसे ही निकलता है परसेंटेज। भाई 100 का 20% निकालना है, तो 100 × 20/100, 100 का 20% 20 हो गया, ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही हम निकाल रहे हैं, ठीक। चलो देखो, तो ये हो गया बराबर किसके है? x के 3/4 के, ठीक, बस हो गया काम, देख लो। अब x बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इससे 2 × 0 = 2 काट दो, बात खत्म हो गई, तो ये जाएगा 48 × 16.5, और इधर 4 भाग में है तो ऊपर गुणा में आ जाएगा, और 3 नीचे काय में चला जाएगा, भाग में 3 से 48 काट ली, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, इनकी सबकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, 16.5 को 4 से गुणा करोगे तो 16 × 16 = 32 और 1 = 33, 33 × 66, तो ये आ जाएगा 16 × 66, 66 को कर लो 16 से गुणा, बात खत्म, देखो 66 16, 6 × 36 = 6, 3 × 6 = 36, 3 × 39, ये आ जाएगा गुणा, और ये आ जाएगा 6 6 6, 9 × 6 = 15, 5 हासिल लगा 1, और 6 × 3 = 9 = 1, 10, 1056 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, ठीक। ये तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दी तुम्हें, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, बहुत सरल सवाल है, सिंपल है, देखो दिख रहा है, आप देखो 7 × 7 = 49 और 2 = 51, 6 × 36 और 4 = 40, कुछ सवाल आपको देख संख्याएं दिखते ही बोलने लगता है, ऐसे ही 5 × 25 और क्या जोड़े 28 हो जाए, 3 जोड़ दें 28 हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे सवाल भी लगभग आपको पेपर में, हर पेपर में एक सवाल ऐसा भी पूछा ही जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, आज के सवाल कम है, बस होने वाले हैं, ठीक है, 37-38 सवाल हैं शायद, संभवतया 34 ही सवाल हैं, 2 सवाल रह गए, ठीक है। चलो
तो कभी 34 हैं, कभी 42 हैं, कभी 44 हैं, सब तरह से मिलेंगे, मतलब 40 एक एवरेज आप मान के चलो। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो इनके आधार की लंबाई। भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है? तो वही फार्मूला लगा दिया 1/2। अब ये क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, मतलब 4/3, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4, दूसरे का 3। अब इन दोनों की हमने कैलकुलेशन कर ली, 1/2 आधार हमसे पूछा है, ठीक है, आधार की लंबाई का अनुपात गुणा आधार को हमने a मान लेते हैं, मान लो हमने a मान लिया आधार, गुणा ऊंचाई का अनुपात कितना है तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, गुणा ऊंचाई बस काट दो, 2 × 4 है ना, या 1/2 से 1/2 काटो, 4 मत काटो, 4 ऐसी रहने दो। अब ये क्या हो गया, 4/3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3a × 3/a × 4 है ना, ये हो जाएगा a1 और a2 कर लो, आधार का कर लो, अब इनको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 इधर भाग में है तो इधर गुणा में चला, यानी a1/a2 बराबर हो जाएगा, ये इधर गुणा में चला जाएगा, 16:9 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 16:9, ठीक। चल अधोलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं में कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है? देखो 22, 33, 99 ये सब 11 से कट रही है, 121 11 से कट रही है, 279 देखो 11 दूना 22 बचेंगे कितने 5, ये नहीं कट रही, ये देखना क्या 11 से कट रही, 11 × 5 = 55, 4 × 4 = 44, 11 से ये सारी 11 से डिविजिबल हैं, 279 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 2014 का सी सेट का पूरा प्रश्न पत्र हमने सॉल्व कर लिया, पूरा प्रश्न पत्र से मतलब है जो आपके शेष प्रश्न पत्र का भाग है, रीजनिंग वो कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश, ये आपको हृदय सर करा रहे हैं हर ईयर के, उनकी भी क्लासेस पड़ी हैं, उनको भी आप देखते चलिएगा, और मैथ रीजनिंग का सी सेट का पार्ट आपको मैं करा रहा हूं, ठीक है। कक्षाएं आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आप ये चाहते हैं कि मैं ईयर वाइज जीएस के भी पेपर यूपी पीसीएस के सॉल्व करा दूं, तो वो भी आप जरूर बताइएगा, वो भी मैं सोच रहा हूं ईयर वाइज आपको करा दूंगा। और आंख वाली दृष्टि जो है दशहरे के बाद मैं आपको शुरू कर दूंगा, और नए तरीके से, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको यह ना पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तब तक आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आई दृष्टि जो जो पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, मैं आपको कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से करा दूंगा, क्योंकि अभी समय है, पेपर संभवतः 27 को शायद ही हो पाए, ठीक है। चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, चैनल पर नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने दोस्त मित्र मंडली सखा सहेलियों में अवश्य साझा कर दीजिएगा, समय अब आपका जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम और मिल रहा है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, पढ़िए मन लगा के पढ़िए, मिलता हूं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।